हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हाउ टू रीग्रो मिंट और पुदीना एट होम। देखिए, हम लोग सब अपने घर में पुदीना लाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम उसको किसी तरह रीग्रो भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैं पुदीना को लाती हूँ। देखिए, ये पुदीना है, इसकी लीव्स को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं और ये नोट्स का ध्यान रखेंगे आपकी, इसकी जहाँ से लीव्स टूट रही हैं वहाँ पे इसकी नोट्स सलामत रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से, तो मैंने ये सारी इस तरह से सारा पुदीना इसमें से पद लीव्स इसकी उतार ली हैं। अब मैं इसको रीग्रो करूँगी। देखिए, आपके पास अगर कोई पॉट है, आप मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपने यहाँ किचन गार्डनिंग कर रही हूँ वो सॉइललेस किचन गार्डनिंग है। मैं जो भी सब्जियाँ या पुदीना या जो कुछ भी उगाने का प्रयत्न कर रही हूँ अपनी टेरेस पर, वो सारा सॉइल लेस है। इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट, वर्मोकोलाइट और परलाइट का इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ। और मज़े की बात तो यह है कि मैं अपने किचन का वेस्ट भी वर्मी कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने किचन वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में बदलती हूँ। मेरे किचन वेस्ट का कोई भी कूड़ा, मेरा किचन का वेस्ट बाहर, घर से बाहर नहीं जाता है, वो वापस मेरे प्लांट्स को मिलता है। देखिए, कहा भी गया है गिव एंड टेक पॉलिसी है, अगर हम कुछ किसी को देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। उसी तरह से अगर हम मिट्टी से लेते ही रहेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, जो माटी हमें दे रही है उसके बदले में हमें कम से कम उसको, उसके बचे जो छिलके, आलू के, प्याज के, जो छिलके हम किचन में वेस्ट बच जाते हैं, उसको बाहर थ्रो करने की बजाय हम उसको अपने प्लांट्स में, अपनी मिट्टी को वापस दे सकते हैं, जिससे कि उसकी खाद बने। तो मैं यही कर रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बाद में फिर आपको दिखाऊंगी एक अपनी वीडियो में कि किस तरह से मैं वो वर्मी कंपोस्ट बना रही है। चलिए, अभी तो हम आते हैं अपनी हाउ टू रीग्रो पुदीना पे। तो इस तरह से मैंने इसकी सारी लीव्स को अलग कर लिया और ये देखिए, ये इसकी जो नोट्स हैं जहाँ से मैंने लीव्स उतारी हैं, एक्चुअली ये नोट्स दिस वन, ये जहाँ से हम लीव्स उतार रहे हैं, इट सीक्रेट्स रूट हार्मोन। तो हमें क्या करना है कि हमने जो ये मिक्सचर बना रखा है इसमें हमें इस तरह से, देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ से भी, अब इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ से भी हमने पत्ती पत्ती को तोड़ा है वहाँ से फिर से एक नई पौधा निकल आएगा। तो इस तरह से हम इसको, आप अगर आप सॉइललेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी गमले में कहीं भी आप इसको करेंगे, और ये आपके 10 दिन के अंदर ही, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा किस तरह से 10 दिन के अंदर ये, यही आपको मैं फिर से दिखाऊंगी किस तरह से रीग्रो होके मेरे पास फिर से पुदीना वापस आ गया। तो देखिए, इस तरह से हमें डालने के बाद ये जितनी आपको नोट्स दिख रही हैं इन सभी नोट से फिर से पौधा आएगा। देखिए, इसकी भी मैं लीव्स को उतार देती हूँ और इसके बाद ये जो मेरा मिक्सचर पड़ा है, पॉटिंग मिक्स है, इसको मैं सबके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा, दबाना नहीं है बिल्कुल भी, इसको प्रेस नहीं करना है, और इसको इस तरह से मैं सिर्फ कवर करना है। तो देखिए, इस तरह से, तो अब आप देखेंगे कि सारी नोट्स ऑलमोस्ट सारी ही कवर हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको फिर मिलेंगे हम आफ्टर 10 डेज के बाद और दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी लीव्स फिर से पौधा रीजनरेट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर 10 डेज, देखिए ये, देखिए ये मैं आपको निकाल के दिखा पा रही हूँ। देखिए इसकी रूट्स, देखिए सारा फ्रेश पुदीना
फिर से उन्हीं नोट्स में से देखिए, आप देख, ये देखिए जितनी नोट्स थी ये सभी नोट्स से पुदीना फिर से रीग्रो हो गया है। देखिए तो हम किस तरह से अपने घर में, अगर आपके आप पॉट में करेंगे, अगर आप मिट्टी में, ये तो मैं ग्रो बैग्स में कर रही हूँ, अगर आप पॉट में मिट्टी में करेंगे तो भी वो इसी तरह से आएगा, बट ये सॉइल लेस करने से, अगर हम टेरेस पे कर रहे हैं तो हमारी छत पे वेट भी नहीं आता, और सॉइल लेस में हम मिट्टी में जो यूरिया वगैरह हम लोग ले रहे थे वो भी नहीं आएगा, तो हम लोग सॉइल लेस इस तरह से अपने घर में बहुत ही अच्छे से सब्जियां उगा सकते हैं अगर हम प्रयत्न करें तो। मैं तो बहुत सी सब्जियां, देखिए मेरी मेथी भी आई हुई है साथ में, और तो और स्वीट पोटैटोज भी देखिए इस बैग में। तो मैं धीरे धीरे, मेरे चैनल पर बने रहिएगा तो मैं आपको और दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैं अपने यहाँ पर टेरेस पर सब्जियाँ उगा रही हूँ जो कि सॉइल लेस फार्मिंग हो रही है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर। ओके बाय फ्रेंड्स।